जिया अपना नाश्ता करने के बाद कॉमिक्स पढ़ने लग जाती है। तभी अचानक पूरा अंधेरा हो जाता है। हाँ? अरे ये लाइट्स किसने ऑफ कर दिए? बाहर भी पूरा अंधेरा है, मैं कॉमिक्स कैसे पढ़ूं अब? ट्रेन का डिब्बा फिर से सूरज की रोशनी से भर जाता है और कुछ देर बाद फिर अंधेरा हो जाता है और उसके बाद फिर से रोशनी। मम्मी ये बार बार क्या हो रहा है? इतना अंधेरा क्यों हो जाता है? तुम्हें पता है जिया के ट्रेन के डिब्बे में बार बार अंधेरा क्यों हो रहा है? तुम्हारी ट्रेन में सफर करते वक्त कभी ऐसा हुआ था? घबराने की बात नहीं है जिया, हमारी ट्रेन सुरंगों से गुजर रही है। इन सुरंगों को पहाड़ को काट कर बनाया जाता है। हाँ, पहाड़ को काट कर? जिया तो ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या तुम्हें पता था सुरंगे यानी टनल्स पहाड़ों को काट कर बनाई जाती हैं? तुम्हें क्या लगता है वो पहाड़ों को कैसे काटते होंगे? ट्रेन फिर से एक सुरंग से गुजरती है। ये तो काफी मजेदार है मम्मी। हाँ, आपकी तो बस आंखें ही दिख रही हैं। और तुम्हारी भी जिया, आगे तो और भी बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगे और 2000 पुल पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है रेल के रास्ते में इतनी सुरंगे और इतने पुल क्यों पड़ते हैं? कुछ देर बाद रात होने लगी और जिया का स्टेशन भी आने वाला था। चलो जिया, हम अपना सारा सामान समेट लेते हैं, जल्दी ही हमारा स्टेशन आ जाएगा। जी मम्मी, मैं आपकी मदद करती हूँ। कुछ समय बाद जिया का स्टेशन आ जाता है और वो अपनी मम्मी के